तो जब बात हो रही है जेवर एयरपोर्ट की, तो एनसीआर को अपना दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट मिलने वाला है और यूपी का ये पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। इससे पहले यूपी के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ये पांचवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा और देश में यूपी इकलौता ऐसा राज्य है जहाँ पर 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे। तो ये तस्वीर हर लिहाज से बेहद खास है। यहाँ पर बड़ा कार्यक्रम किया जा रहा है, जो यहाँ के विधायक हैं जेवर के ठाकुर धीरेन्द्र सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे सभा स्थल पर, क्योंकि उनकी अगर माने तो ये हर लिहाज से बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि जेवर एयरपोर्ट के आने से आगरा, मथुरा, बुलंदशहर, हापुड़, इन तमाम जगहों पे जो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी है यहाँ के लोगों के लिए वो बढ़ेगी। अब इन लोगों को इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं जाना पड़ेगा। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जो कंजेशन है, ट्रैफिक कंजेशन, यात्री कंजेशन, उनको डी कंजेस्ट करने में ये एयरपोर्ट काफ़ी मददगार होगा। एयरपोर्ट का जो पहला रनवे है वो 2024 में बन के तैयार होगा, जिसका उद्घाटन किया जाएगा, लेकिन 25 नवंबर को जो प्रधानमंत्री पहुँचेंगे तब भूमि पूजन होगा और बकायदा जो पहली ईंट है एयरपोर्ट की वो भी रखी जाएगी। ठाकुर धीरेन्द्र इस वक्त हमारे साथ है, जो जेवर से विधायक हैं। सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एयरपोर्ट दिखेगा कैसे, टर्मिनल कैसे होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि बनारस, अयोध्या, प्रयागराज की छटा साफ तौर से नजर आएगी। निश्चित तौर से यहाँ जो है मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि यह ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, तो यहाँ पौराणिक छटा भी हो, हिंदुस्तान का स्थापत्य कला भी हो। यह उन्होंने डायरेक्ट कर दिया था, मैं अभी आपको नक्शा दिखाऊंगा। उस दिन हम जो परसों की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी का लॉन्च आप देख रहे हैं, ये मंच तक जाने के लिए उनका पैसेज है। सीधे हाथ को गैलरी बनाई गई है कि किस तरीके से, आइए आपको गैलरी दिखाता हूँ, किस टाइमलाइन से यहाँ इस एयरपोर्ट के सभी कार्यों को पूरा किया गया। क्योंकि इस एयरपोर्ट को बनाने में यहाँ के किसानों का बहुत बड़ा योगदान है और सबसे बड़ा योगदान है। जिस जगह पर 2 इंच जमीन के लिए गोलियाँ चलती थीं, वहाँ बिना किसी झिझक के और बिना किसी आंदोलन के दुनिया का इतना बड़ा भूमि अधिग्रहण हो जाए, तो ये भी एक इतिहास की घटना यहाँ बन गई। उन किसानों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। यहाँ हम पूरी विकास की गाथा दिखाएंगे कि किस तरीके से, किस टाइमलाइन से एयरपोर्ट का जो पत्रावली थी वो पूरी की गई, सारी फॉर्मेलिटीज़ की गई। ये एयरपोर्ट का एक हमने, आप देखेंगे किस तरीके से ये एयरपोर्ट बनेगा। क्या क्या धीरेन्द्र साहब हमें समझा सकते हैं, एयरपोर्ट का टर्मिनल, जगह, रनवे, ये किस, ये पूरा, क्योंकि 5,845 हेक्टेयर ज़मीन आप लोगों ने एक्वायर किए, कहाँ पर क्या क्या है, ये नक्शे के माध्यम से क्या समझा सकते हैं? देखिए, ये हमारी मेन बिल्डिंग है, ये जो आप काले निशान देख रहे हैं, ये हमारे रनवे बने हुए हैं, हवाई जहाज़ जिन पर खड़े हुए हैं। तो ये चूंकि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, इसलिए पर्यावरण की दृष्टि से भी इसमें पूरा ध्यान रखा गया है। धीरेन्द्र सर, जल्दी कर लेते सर, क्योंकि इतना बड़ा एरिया, 5,845 हेक्टेयर ज़मीन, पहले चरण में कितने हेक्टेयर पर काम होगा, पहले चरण में कितना रनवे बन जाएगा, जब 2024 में उद्घाटन की हम बात करें? देखिए, 1350 हेक्टर के करीब ज़मीन पहले उसमें ली गई है और हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि 2023 तक हम एक रनवे चालू कर दें, यहाँ से उड़ान हो जाए, फिर दूसरा रनवे बनेगा, उसके बाद अन्य रनवे के लिए भी जमीन अधिग्रहण का काम ऐसा ही है होने लगी है, गांव-गांव जाकर किसानों से मशवरा किए जाने लगा है। तो काम इसका बदस्तूर जारी है, लेकिन अब आप 2023 तक रुकिए, जब पहला रनवे हम इसका शुरू करा देंगे, फिर आगे के सारे काम इसके सुचारू हो जाएंगे। रोजगार के लिए कितना महत्वपूर्ण है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट? यूपी इकलौता ऐसा स्टेट जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब हो जाएंगे। रोजगार के लिए विशेष तौर से इसी के लिए इसका गठन किया गया, इसे बनाने का प्रयास किया गया, लाखों रोजगारों का इससे सृजन होगा। अनेकों कंपनियाँ एयरपोर्ट की घोषणा के बाद से यहाँ अपने उद्योग धंधे लगा चुकी हैं, तो आप यकीन रखिए 3 से 5 लाख के बीच में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष यह पूरा क्षेत्र एयरपोर्ट के आसपास का आने वाले समय में रोजगार का सृजन करेगा। यह जेवर से विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह जो हम बता रहे थे कि एयरपोर्ट कैसा दिखेगा 2024 में। मैं आपको पूरी तस्वीर दिखा दूं, क्योंकि एयरपोर्ट का जो काम है वो तेजी से तो चल ही रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिलान्यास करेंगे, जो एयरपोर्ट की बाउंड्री है उस पर काम शुरू हो चुका है। ये वो मंच के पीछे वाला हिस्सा है और इतने, मैं आपको बता दूं, 5,845 हेक्टेयर की जो ज़मीन है वो अधिग्रहित की गई है, जो अब बढ़ करके 6,200 के करीब हो गई है। शुरू यानी कि पहले चरण में 1,350 हेक्टेयर की ज़मीन पर काम
काम शुरू होगा। 6 गांव हैं जिनको एक्वायर किया गया, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये वो एयरपोर्ट होगा जहां पे MRO भी बनाया जाएगा, यानी कि मेंटेनेंस रिपेयरिंग एंड ओवरहॉलिंग भी बनाई जाएगी, इंडस्ट्रियल लॉजिस्टिक्स, ये तमाम चीज़ों में बहुत सहायता देगा नॉर्दर्न पूरे रीजन को ये एयरपोर्ट। और काम किस तरह से चल रहा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये एयरपोर्ट परिसर होगा, कुछ ही दूरी पे एयरपोर्ट टर्मिनल होगा, एयरपोर्ट के अंदर बनारस, अयोध्या, इन तमाम चीज़ों की छटा दिखाने की कोशिश की जाएगी। यूपी किस तरह का दिखता है, यूपी का टूरिज्म किस तरह का दिखता है, इंटरनेशनल आने वाले यात्रियों को पता चलेगा कि बनारस के घाट कैसे हैं, प्रयागराज में नदियों का संगम कैसा है, अयोध्या के मंदिर कैसे हैं, बाकायदा एक आंगन बनाया जाएगा और वो आंगन फतेहपुर की हवेलियों से भी ज़्यादा बड़ा होगा, यानी कि सिक्योरिटी चेक से लेकर के प्री बोर्डिंग तक का जो सफ़र है वो यात्रियों को उसमें तमाम चीज़ें उत्तर प्रदेश की नज़र आएंगी। तो इस खूबसूरती के साथ जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और उसका काम लगभग शुरू हो चुका है, बाउंड्री वॉल का काम शुरू हो चुका है और आज प्रधानमंत्री शिलान्यास करेंगे, जिसके बाद से इसका काम और भी तेज़ी से शुरू हो जाएगा। वीरजुंस मनोज के साथ हर्ष टाइम्स नाउ नव भारत।